सो हेलो एवरी वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नीट सी यूटी केमिस्ट्री। माई नेम इज यर्जन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस वीडियो में हम पूरा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट्स में, जिससे आपके नीट में 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, सिर्फ 15 मिनट में मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। सॉल्यूशंस का मैंने 15 मिनट्स का कंप्लीट चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, तो वो भी आप देख सकते हो। बिना देरी करे स्टार्ट करते वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हम डील करेंगे विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम केमिकल काइनेटिक्स में डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट क्या होती है आपकी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, या तो रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो चेंज क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। आर टू माइनस आर वन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, सेटिस्फाई, जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे आएगा माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे माइनस आएगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे अपीयरेंस आएगा, ठीक है। धीरे धीरे अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज प्लस डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ प्लस आएगा। और आपको ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम ग्राफ देखें तो ये बताया अगर आपको जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है विद टाइम, ठीक है, विद टाइम। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे कैसे। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे कैसे? हमारे पास रिएक्शन है, हमारे पास रिएक्शन है, तो रेट कैसे लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हो आप, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हो। रिएक्टेंट्स में आपको नेगेटिव लगाना है और प्रोडक्ट में आपको पॉजिटिव लगाना है, मतलब तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा ही होगा। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हो, और माइनस प्लस डी पी अपॉन डी टी लिख सकते हो। यहाँ पे एच टू और आई टू क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे, तो डी बाई डी टू ऑफ एच टू और डी बाई डी टू ऑफ आई टू। अब देखो यहाँ पे टू एच आए हैं, तो जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो न्यूमरेटर क्या बन जाता है? डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट है, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा आपका डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, तो ये वाला एग्जांपल देखो, फाइव बी आर माइनस प्लस बी ओ बी आर ओ थ्री माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस वन अपॉइंट फाइव हो जाएगा, क्योंकि फाइव डिनोमिनेटर आपका बी आर माइनस रिएक्टेंट है। सिमिलरली बी आर ओ थ्री माइनस रिएक्टेंट है, तो माइनस आ रहा है, सिक्स एच प्लस है, सिक्स एच प्लस है, तो डिनोमिनेटर सिक्स चले जाएगा, और माइनस सिक्स की वजह से आ रहा है रिएक्शन की वजह से। सिमिलरली प्रोडक्ट है दोनों, तो प्रोडक्ट के लिए आएगा प्लस, और क्योंकि यहाँ पे थ्री स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो डिनोमिनेटर में जाएगा आपका थ्री। और सिमिलरली थ्री एच टू ओ है, तो थ्री स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो आपका डिनोमिनेटर में जाएगा थ्री, और प्लस इसकी वजह आया प्रोडक्ट की वजह से। अब देखो ध्यान से देखो, अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आर टू, अपीयरेंस को बोला क्या है? प्रोडक्ट बन रहा है, बी आर टू है प्रोडक्ट है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आर टू में आपका थ्री जो है इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। आपका थ्री इंक्लूड नहीं होगा, आपका सिर्फ इंक्लूड क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ बी आर टू, मतलब इतना इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कहाँ चले जाएगा आपका? रेट में। ये कहाँ चले जाएगा आपका? रेट में चले जाएगा। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आर माइनस, ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आर माइनस पूछा जाए, तो बी आर माइनस रिएक्टेंट है, तो फाइव इंक्लूड नहीं होगा, फाइव इंक्लूड नहीं होगा, रेट चल जाएगा, और माइनस इंक्लूड होगा, ठीक है, माइनस इंक्लूड होगा। तो ये पूरा जो है वो आपका क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आर माइनस है। तो जब भी आपको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पूछा जाए, तो आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को रेट के से मल्टीप्लाई कर देना है, तो थ्री टाइम्स ऑफ रेट और फाइव टाइम्स ऑफ रेट हो जाएगा। अगर यूनिट बात करें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मोल पर लीटर, और टाइम क्या? सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब बात करें रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन देख लो, अगर मेरे पास रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव सी सी डी डी हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन आपको डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और पावर क्या होगी? एक्स और वाई। और एक्स और वाई क्या होती है? एक्स और वाई द ऑर्डर्स रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और एक्स और वाई आप निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, ये एक्स और वाई आप निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटली। तो रेट इक्वल्स टू, अगर कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल साइड हटाओगे, प्रोपोर्शनल साइड हटाओगे, तो क्या बनेगा? कॉन्स्टेंट बनेगा। रेट इक्वल्स टू के ए एक्स बी वाई, ठीक है। अब देखो माइनस डी आर अपॉन डी डी, ये आपकी रेट थी, ये आपकी रेट थी, कोई भी रिएक्टेंट ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, दोनों प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ले सकते हो। तो माइनस डी आर अपॉन डी डी, आर यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी सकता है, इक्वल्स टू क्या हो गया? के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेना है, कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेनी है? रिएक्टेंट्स की लेनी है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ही लेनी है। नेक्स्ट देखो रिएक्शन देखो, तो देखो अगर रेट रखा आपको के एनओ स्क्वायर ओ टू, तो यहाँ पर रेट लो जो होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट लो होता है वो ओनली डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ऑर्डर्स है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन एनओ की डबल करी, अगर हमने एनओ टू की कॉन्सेंट्रेशन, एनओ टू की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, एनओ आएगा यहाँ पर, एनओ की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी, तो रेट इंक्रीज होगा फोर टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो टू टू जो फोर, तो रेट इंक्रीज कितनी हो जाएगी? फोर टाइम्स। अगर हमने ओ टू कॉन्सेंट डबल करी, अगर ओ टू की कॉन्सेंट डबल करी, तो रेट कितनी हुई? डबल हुई। रेट डबल हुई क्यों? डबल हुई क्योंकि यहाँ पे ओ टू का जो ऑर्डर है वो वन है, और एनओ का जो ऑर्डर है वो टू है, एनओ का जो ऑर्डर है वो टू है, दैट्स व्हाई रेट बिकम फोर टाइम्स, और यहाँ पे ओ टू का जो ऑर्डर है वो वन है, इसलिए रेट बिकम्स टू टाइम्स। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस है किसका? ऑर्डर का। अब बात करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट डबल करी तो टू टाइम्स, अगर रेट टू टाइम्स बढ़ी, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट डबल करी और रेट टू टाइम्स बढ़ी, तो आपका ऑर्डर होगा फर्स्ट। ट्रिपल करी और थ्री टाइम्स बढ़ी, तब भी फर्स्ट ही होगा। बट अगर डबल करी और फोर टाइम्स रेट बढ़ गई, तो डबल का स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर फोर हो गया, तो आपका जो ऑर्डर होगा टू होगा। सिमिलरली ट्रिपल करी और आपकी रेट जो है नाइन टाइम्स बढ़ गई, तो
क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करा ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली अगर आपकी कॉन्सेंट्रेट रिएक्टेंट जो है 4 टाइम्स करी, बट जो रिएक्टेंट जो रेट थी आपकी वो कितनी बड़ी, डबल ही बड़ी, 4 टाइम्स करने के बाद डबल हुई, तो आपका ऑर्डर क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, ऑर्डर हाफ भी हो सकता है, ऑर्डर एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। और सिमिलरली अगर आपने 9 टाइम्स बढ़ाया, ट्रिपल हुई, मतलब हाफ ही और 9 का हाफ 3, तो हमारा वो भी हाफ ही ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब रेट को हम डिपेंड करते हैं के एक्स प्लस बी वाई। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे निकालोगे, आपको बोला जाए कि ऑर्डर निकाल दो रिएक्शन के लिए, क्या बोलोगे, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब एक्स और वाई का अगर एक्स और वाई का सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई का सम करोगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। रेट इक्वल्स टू के ए हाफ बी हाफ, हमको दे रखा है ये, हमको रेट लॉ दे रखा है, तो आपको ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2, दैट इज 4/2, दैट इज ऑर्डर सेकंड। ठीक है, 4/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका सेकंड ऑर्डर आएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर आएगा। अब हम ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर के बारे में कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स आते हैं जो कि आपको इनकरेक्ट पहचानने होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, हम थ्योरेटिकल नहीं निकाल सकते। ऑर्डर कैन बी जीरो और फ्रैक्शन। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन या जीरो हो सकता है। एप्लीकेबल टू, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री हो सकता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन पर अप्लाई होता है, एलिमेंट्री हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही रिएक्शन पर अप्लाई होता है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। जो आगे पढ़ेंगे कि जो ऑर्डर होता है वो स्लोएस्ट स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन होता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर मान लेते हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर हम थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, रिस्पेक्ट टू ए 2 होगा और रिस्पेक्ट टू बी होगा 1। मतलब जो ऑर्डर होगा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, जो ऑर्डर होगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स के इक्वल होगा, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, 2+1 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन हम रिएक्शन देख के भी क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या होंगे ऑर्डर, ऑर्डर होंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिक्स ले सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अगर देख लें तो यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, अगर हमारी रेट इक्वल्स टू के एक्स बी वाई है, और के क्या है हमारे पास, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मुला, के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन, ये रेट ऑफ रेट कॉन्सेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कॉन्सेंट है फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1-n अपॉन सेकंड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1-n अपॉन सेकंड, तो एन रखोगे जीरो, जीरो क्यों, क्या बनेगा आपका मोल पर लीटर पर सेकंड बनेगा। अगर 1-1 रख दोगे तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स आ जाएगा ऊपर, सेकंड इनवर्स हो गया। अगर 1-2 रख दोगे तो -1 हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 अपॉन सेकंड इनवर्स, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 लो, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। सिमिलरली थर्ड रखोगे यहाँ पर तो -2 हो जाएगा, तो लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट क्लोराइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल चेंज लाने के लिए, केमिकल चेंज लाने के लिए, केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो यूनिमॉलिक्यूल रिएक्शन यहाँ पे क्या, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाय मॉलिक्यूल यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ट्राई मॉलिक्यूल यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्राई मॉलिक्यूल जो होती है वो आपकी प्रोबेबिलिटी लेस होती है, क्योंकि रेयर रिएक्शंस में ही आपकी ट्राई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है अगर सिंगल स्टेप, यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी है वो सेम होंगे, जितना ऑर्डर होगा उतनी मॉलिक्यूलरिटी होगी, क्योंकि एक सिंगल स्टेप है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, अकर्स इन मल्टीपल स्टेप्स, अकर्स इन मल्टीपल स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफाइन नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको नहीं पता होता कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर डिमांड फ्रॉम द स्लो स्टेप। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर डिमांड करते हैं स्लो स्टेप से, हमने देख लिया है। अब रेट में स्टेप क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम कैसे डिमांड करते हैं स्लो स्टेप, तो जो स्लो स्टेप होता है, द स्लो स्टेप इज द इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट डिमांडिंग स्टेप। ठीक है, वो डिटरमाइन करता है, वही डिटरमाइन करता है। तो हमारे पास ये एक्शन है, हमको दो स्टेप्स में हो रखी है, ठीक है, ये एक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दो स्टेप्स में हो रखी है, फर्स्ट स्टेप में H2O2+I-, ये स्लो रिएक्शन है, तो आपका जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिमांड करेगा। तो स्लो स्टेप में कौन से रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, H2O2 और I-। ठीक है, स्लो स्टेप में कौन कौन से रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, H2O2 और I-, तो आपका K जो आपकी रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, H2O2 और I-, पे 1 और 1, 1 1 क्यों आया, क्योंकि आपको जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 1 है। -d/dt ऑफ H2O2 लिख दिया है, क्यों लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट की टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, -d/dt ऑफ H2O2 इज इक्वल टू के H2O2 I-, ये कैसे निकला हमारा, स्लो स्टेप से। फास्ट स्टेप आपको देखना ही नहीं, ठीक है, फास्ट स्टेप आपको देखना ही नहीं है, स्लो स्टेप से आपको ऑर्डर निकाल देना है। ठीक है, ये आपके टू एलिमेंट्री स्टेप्स है, और ये आपका IO-, IO- क्या है, इंटरमीडिएट, जो कैंसिल हो जाएगा जब आप ऐड करोगे रिएक्शंस को। आप देख लेते हैं जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, जीरो ऑर्डर मतलब कि जो रेट है वो डिपेंड नहीं करेगी किसी भी रिएक्टेंट। ठीक है, जो रेट है वो डिपेंड नहीं करेगी किसी भी रिएक्टेंट पे, तो आप लिख दिया हमने KR0 -dR/dt इक्वल्स टू KR0। तो आप सॉल्व, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा R = -KT+R0। वेरी इंपॉर्टेंट, R क्या है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और R0 क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, K क्या है आपका रेट कॉन्सेंट्रेट, T क्या है टाइम में। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा Y = mx + c से। तो ये हमारा Y हो गया, तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, मतलब जो हमारे लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की,
और आपका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के, और सी क्या हो जाएगा आर नॉट। तो आपका ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, आपका ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यूनिट याद रख इक्वेशन याद रखनी, आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो आपका के क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला याद सकते हो, और ये फॉर्मूला याद सकते हो, आर नॉट क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आर क्या निमिनिंग कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो, या लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो। आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने, तो जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल्स होंगे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, रिएक्शंस अकर ऑन मेटल सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट, और डिकम्पोजन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सर्फेस। ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जो आपको याद पता होनी चाहिए, डिकम्पोजन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सर्फेस। ये सारी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ मतलब द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेट रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको 50% रिएक्शन खत्म होने के लिए, ठीक है, 50% रिएक्टेंट कंज्यूम होने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं उसका हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ किस निकालते हैं, हाफ लाइफ सिंपल अगर हम आर को रख देंगे आर नॉट बाय टू, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे टी हाफ, तो टी हाफ हो जाएगा आपका आर नॉट बाय टू। तो हम जीरो ऑर्डर में, ठीक है, जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है, जो हाफ लाइफ है डिपेंड कर रही है इनिशियल कॉन्स्टिट्यूट रिएक्टेंट पे, जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड कर रही है इनिशियल कॉन्स्टिट्यूट रिएक्टेंट पे। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा है, जो आपकी रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, आपके एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए आर वन लिखा है यहाँ पर। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एल एन आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू के टी। तो आप ग्राफ बनाओगे, तो अगर एल एन आर आप बना रहे हो ग्राफ किसके बीच में, लॉग आर नॉट बाय आर के बीच में, तो आपका बन जाएगा के अपॉन, आपका ग्राफ कैसा आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, जो स्लोप आएगा आपको पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा स्लोप, के अपॉन 2.303 और टी के टी और लॉग आर नॉट बाय आर के बीच में आप ग्राफ बना रहे हो, तो के अपॉन 2.303 आपका स्लोप आया और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर जीरो है, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर जीरो है, तो आपका जीरो से स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर आपने इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है, इक्वेशन को ऐसे लिख दिया एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, अगर आप ग्राफ बना रहे हो एल एन आर और किसके बीच में, टी के बीच में, तो आपका स्लोप क्या होगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है, और आपका इंटरसेप्ट क्या होगा एल एन आर नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन के लिए भी ग्राफ आ सकता है और ये इक्वेशन के लिए भी ग्राफ आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन में अलग अलग ग्राफ बन रहे हैं, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है आपका और यहाँ पर स्लोप आपका नेगेटिव है, यहाँ पर इंटरसेप्ट भी है एल एन आर नॉट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, सिंपल वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लगाना, ठीक है, जहाँ पे एम हो गया आपका माइनस की और सी हो गया आपका एल एन आर नॉट, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर आपके लिए जो ये फॉर्मुला है आपको पता हो गया, ये इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर, आर नॉट क्या आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और आर क्या है लेफ्ट ओवर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, या बोल सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड। एग्जाम्पल कौन कौन सी रिएक्शंस आपकी फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो वो पता होना चाहिए आपको, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है। नेक्स्ट डिकम्पोजन ऑफ N2O5 और N2O जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है, ठीक है, डिकम्पोजन ऑफ N2O5 और N2O आपका फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ क्या करेंगे, आर को रख देंगे आर नॉट बाय टू, ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो उसका मिल जाएगा आपको टी आप इक्वल्स 0.693 अपॉन के, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, फॉर फर्स्ट ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ डिपेंड नहीं करता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर, जीरो ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड करता था, ठीक है। अब बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस की, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बाय 10 डिग्री सेल्सियस विद राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाया तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होगी, नियरली डबल्ड। जैसे आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया तो आपकी रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, के से क्या हो जाएगी, टू के हो जाएगी, तो रेट कॉन्स्टेंट डायरेक्टली टेम्परेचर। तो उसी से आपका अरेनियस इक्वेशन आया, के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, ए क्या आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या अरेनियस कॉन्स्टेंट बोल सकते हो। तो हमारा एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा जहाँ पे स्लोप जो होगा आपका नेगेटिव होगा माइनस ई अपॉन आर, ठीक है, स्लोप जो होगा आपका नेगेटिव होगा माइनस ई अपॉन आर, जो आगे देखेंगे हम। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टिव प्रोडक्ट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टिव टू प्रोडक्ट कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब आपको कितनी एनर्जी चाहिए जिससे कि आप एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू को क्रॉस कर सको उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि आप इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर सको, उसके बाद ये टूट के क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, इसका ये टूट के क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और प्रोडक्ट और रिएक्टिव के बीच जो जितनी एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डेल एच, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम डेल एच। तो ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट है, ये कौन सा ग्राफ, ये कौन सी रिएक्शन के लिए ग्राफ है आपका, एक्सोथर्मिक के लिए, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट एनर्जी डेंस होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है। सिमिलरली अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये ग्राफ है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आप क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ये बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस पॉइंट पे ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजिस कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली एनर्जी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, ठीक है, ये जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पॉजिस कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एनी अपॉन एनटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई और एनटी क्या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, बट जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अभी जो हमारी ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था और इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बहुत कम मॉलिक्यूल्स जो थे वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे थे, बट जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब क्या हो गया,
ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कॉज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजंस होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो आपका यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, जो आपकी पहले ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी को पोजेस कर रहे थे, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी के को पोजेस कर रहे थे, बट जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी पे, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी पे जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो डिक्रीज हो गए, ठीक है, अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, ये टी प्लस टेन है, जहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। वैन टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई एनर्जी विच क्रॉस द एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे ये यहाँ तक, ठीक है, ये वाले एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो क्रॉस कर रहे हैं, जैसे टी इंक्रीज करा आपने, इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिससे कि आपके इफेक्टिव कोलिजन होंगे विच कोलाइड विद ग्रेटर एनर्जी देन ईए, जिससे कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स है वो ईए से ज्यादा एनर्जी से कोलाइड करेंगे, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये फॉर्मुला देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन आर टी, एल एन ए कहाँ से आया, आपका ई आपका आया यहाँ से, ठीक है, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी से आया, ठीक है। तो इससे ग्राफ कैसे बनेगा, इससे ग्राफ बनेगा ये वाला आपका जो एल एन के, और किससे बनेगा, वन अपॉन टी से बनेगा, तो आपका स्लोप हो जाएगा माइनस ई अपॉन आर और आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा एल एन ए, तो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये वाले पे, तो T1 पे क्या हो जाएगा, K1 चेंज हो जाएगा कि T डिपेंड करता है K पे, तो आपका ये क्वेश्चन आएगा T2 पे, ये वाली क्वेश्चन आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ln K2 माइनस K1, तो आपको फॉर्मुला हो जाएगा ये वाला, ठीक है, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे फॉर्मुला क्वेश्चन, इस फॉर्मुले से क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है, T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर। अब बात करते हैं इफेक्टिव कैटलिस्ट की, तो जैसे आपने कैटलिस्ट यूज कर लिया, तो कैटलिस्ट यूज करने से क्या होगा, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, जो पहले इतनी ज्यादा थी आपकी, हो गई एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ा रहा है, बाय बिकॉज कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव पाथवे बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है बिटवीन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस हो गई तो टाइम क्या हो गया, कम लग गया आपका, टाइम क्या हो गया, कम लगा और जो रिएक्शन थी वो फास्ट हो गई, ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई, मतलब टाइम कम लगा आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नो चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चेंज क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जो कैटलिस्ट है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को क्या कर रहा है, इक्वल नंबर में या इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को, दैट्स व्हाई नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, बट ये जरूर कर रहा है कि वो इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज द ग्राफ ऑफ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, तो जैसे आपने कैटलिस्ट यूज करा, ये वाला कैटलिस्ट का है, ठीक है, जैसे आपने कैटलिस्ट यूज करा आपकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई और आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन गया एज कम्पेयर टू द वन विच यू हैव नॉट यूज द एक्टिवेशन कैटलिस्ट, विच यू हैव नॉट यूज द कैटलिस्ट, दिस इज अ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। तो विद दिस वी हैव कवर द चैप्टर, मैंने पूरा चैप्टर 15 मिनट में कवर करा दिया आपको, आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगा, सो स्टे ट्यून, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे नीट का आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है, मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।